25 किलोमीटर के रास्ते से मेरा और मेरे समुदाय के लोगों का आना जाना होता है और हमारा जीवन इस रास्ते पर काफ़ी निर्भर करता है। इस सड़क को 5-6 साल पहले बनाया गया था और कभी रिपेयर नहीं किया गया। जुलाई 2014 में इस रोड की ख़राब स्थिति को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी। वीडियो शूटिंग के दौरान मैंने काफ़ी गाँव वालों से इस बारे में बात की। यहाँ की रोड इतनी स्थिति इतना ख़राब है कि रोड में इतना कीचड़ बहुत है जिसमें कि गाड़ी चलाने में बहुत परेशानी होती है। इस रोड की स्थिति इतना ख़राब है, इतना ख़राब जिसका कहना कुछ माने सीमा नहीं, माने जितना भी इसके बारे में बोला जाए बहुत एकदम बहुत कम है। रोड की स्थिति ऐसा है कि अगर पैदल लोग चलते हैं तो भगवान जाने, मोटरसाइकिल से अगर कुछ गिर जाता है तो जान ही चला जाएगा, बचने का कोई चांस नहीं। इसीलिए यहाँ से इतना मुनाफा कमाती जिसका कुछ सीमा नहीं, लेकिन आज तक रोड पर सीसीएल कभी ध्यान ही नहीं दिया। शूटिंग करने के दौरान समुदाय के लोगों से पता चला कि सड़क की रिपेयर करने की जिम्मेदारी सीसीएल प्रोजेक्ट मैनेजर की है, इसलिए मैंने समुदाय के 2-3 लोगों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट मैनेजर से इस बारे में बात की। प्रोजेक्ट मैनेजर से मिलने के 6 महीने बाद इस रोड का रिपेयर करना शुरू कराया गया और 2 महीने बाद रोड पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। कैमरे के डर से और समुदाय में इस विषय की गंभीरता के फैलने के कारण सीसीएल प्रबंधन पर दबाव पड़ा और समस्या का निवारण 6 महीने के अंदर हो गया। पहले के रोड की स्थिति कैसी थी और अभी कैसी है? जी, पहले की रोड की स्थिति बहुत ही ख़राब थी और जो आज हम लोग देख रहे हैं रोड कुछ सुधार हुआ है। अभी सड़क की स्थिति यह है कि चरही से परेस तक के सड़क के गड्ढे को भर दिया गया है, साथ ही साथ परेस से लयुत तक के सड़क का पूरा नवीनीकरण किया गया है। अभी लोगों को आने जाने में बहुत ही सुविधा महसूस हो रहा है और वे लोग काफ़ी खुश हैं। मैं उन सभी पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने चरही से लयुत तक की सड़क को बनवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। मैं बसंती सोरेन, झारखंड के रामगढ़ जिले से, इंडिया अनहर्ड की।